वाले देखो किस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं और ऊपर देखो लूडो खेल रहे हैं सब लोग यहाँ पे शादी। ब्लॉग तो कैसे हो, उम्मीद हो गया अच्छे होंगे, मैं भी हूँ एकदम मस्त। और दोस्तों आप सबको लोहड़ी की बहुत सारी बधाइयाँ, बट हमने जो है लोहड़ी नहीं मनानी है क्योंकि मेरे दादू की डेथ हुई कुछ दिन पहले, इसलिए हम जो मतलब लोहड़ी नहीं मनाएंगे। बट मैं आपको क्या ही बताऊँ, गाँव वालों ने मतलब हमारा रिवाज है ऐसे कि मतलब अगर कोई मतलब इस किसी ये हो या कोई और भी त्यौहार हो अगर हम नहीं बना रहे होते तो गांव वाले जो है हमें दे देते हैं भल्ले वगैरह। तो दोस्तों हमें इतने ज़्यादा दिए थे ना, मैं क्या ही बताऊँ, वो पता नहीं कब ख़त्म होंगे, इतने ज़्यादा दिए ना पूरे गांव वाले ने, मतलब बहुत ही ज़्यादा, हम से उन्हें खाए भी नहीं जाएँगे, पता नहीं लगता है टंकरों को ही देने पड़ेंगे। मैं बताती हूँ दोस्तों आपको कितने, तो दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पर हमें कितने ज़्यादा भल्ले सालू दिए हैं। भल्ले सालू हम अपनी परिभाषा में बोलते हैं इनको, जब भी कोई त्यौहार होता है तो ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, और किसी कारण अगर हम त्यौहार नहीं बना पाते हैं तो हम ऐसे ही और को देते हैं, और इस बार हम नहीं बना पा रहे थे इसलिए हमें भी दिया है। इनमें अलग अलग हाथों का अलग अलग स्वाद दोस्तों, तो देखो इतने ज़्यादा हमारे गाँव वाले देखो किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऊपर देखो लूडो खेल रहे हैं सब लोग यहाँ पे। शालू दीदी यहाँ पर बावड़ी के पास देखो किस तरह से पानी पी रही है, इन्होंने खट्टा खाया और उसमें ज़्यादा मिर्च हो गई थी, बेचारे शीशी कर रहे सबके सब, एक वहाँ पार से देख रहे मुझे घूर घूर करके, और सब ऊपर बैठे हैं सब कर रहे हैं काम, और हम जा रहे हैं अभी धूप सेकने के लिए, तो अभी चलते हैं धूप सेकने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं हम धूप सेकने के लिए, और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो कितना मस्त दिख रहा है। हम आ जाके बहुत दूर धूप सेकने के लिए, देखो वो सामने रहा हमारा गाँव, नीचे हमारी सड़क, नीचे दूसरे वाली सड़क, और देखो आसमान कैसा दिख रहा है नीला नीला, देखो सारा ना मस्त व्यू आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो हमने भल्ले लाए हैं खाने के लिए, और वो देखो ऊपर हमारी बोतलें कैसे दिख रही है तीन चार, और ये बिल्लो दीदी ये सदा की बिजी कई बुल में कितने ज़्यादा, अभी और बाद में जैसे खाएंगे हम इसको। देखो गाइस यहाँ पर यहाँ से बकरे ले जा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ देखो हमारे गांव वाले बकरे ले जा रहे हैं और भेड़े भी ले जा रहे हैं। ये रुपेश स्टार और वहाँ मेरी ताई जी उनकी बकरियाँ, नीचे देखो सब लोग जा रहे हैं, ये बकरे ले जा रहे हैं यहाँ से, ये देखो रुपेश स्टार इंस्टाग्राम स्टार हमारे भल्ले पे, हमारी बच्ची और देखो चाची ने और लाई यहाँ पे सब कुछ, देखो बहुत दीदी की जैसे ध्यान मगन होके खा रही है इसके बाल खराब हो गया आज इधर तो कितने सारे लाए हैं, बोतलें हो चुकी है खाली, अभी मैं पानी लाने के लिए जा रही हूँ ऊपर। यहाँ पर रेस्ट हाउस बन रहा है, ये यहाँ पे पानी है देख सकते हो, यहाँ डंगलों को पीने के लिए बनाया है, इतनी बड़ी चढ़ाई चढ़ के आना पड़ा मुझे इतने ऊपर पानी के लिए। हमारी सारी बोतलें खाली होगी क्योंकि हम 6-7 आदमी हो गए नीचे ना तब, और फिर वहाँ हमने खाना वगैरह भी खाया तो पानी हो गया ख़त्म। तो टावर वहाँ नीचे आवाज़ आ रही थोड़ी थोड़ी, वहाँ जो हमारे गाँव वाले क्रिकेट खेल रहे हैं, और यहाँ गेहूँ में पानी को ले जाने के लिए, तो देख सकते हो यहाँ हमारा पानी क्या चल रहा तुझे अच्छा। तो अभी मैं यहाँ पे पानी भर रही हूँ अपनी बोतल में, और देखो नीचे ऐश्वर्य और ऐश्वर्य के डंगरे के यहाँ पे पानी पीने के लिए, मैंने बताया था ना यहाँ डंगरों के लिए बनाया पानी पीने के लिए, तो यहाँ पे लाते हैं ये ऊपर से क्योंकि ये बांधते हैं ऊपर डोगरे में डंगरे, तो इसलिए बेचारे को धूप सेकने का टाइम भी नहीं मिलता। और यहाँ से देखो कुछ व्यू इस तरह का नज़र आ रहा है, धुआं ही धुआं पड़ा हुआ है सारे में, तो अंधेरा अंधेरा सा छा गया है जैसे ऐसा लग रहा है, पर धूप आज काफ़ी सही लगी हुई है। अभी मैं चलती हूँ नीचे, बोतलों को भर लिया है मैंने, अभी जाऊँगी मैं नीचे। आज तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ घर, और मुझे अभी जाना है प्याज को पानी देने के लिए, और मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं तक रखूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और जो न्यू है सब्सक्राइब करते, मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ।